और सिरसा साहब कल तक जब साथी थे तब टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं थे, अब जब आप लोग अलग अलग हो गए तो वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए। अंजना जी इसलिए हो गए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं और बीजेपी पार्टी कुछ करती है। अब बताएं, पहले तो मैं अंजना जी आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि देखो किसान भी टीवी देखते हैं और जब हम किसी टीवी चैनल पर जाते हैं तो किसान आप में हमें फोन करके कहते हैं कि भाई इस टीवी पे मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि ये तो भाई एक साइडर बात करते हैं। तो कम से कम आपने सरकार से भी सवाल पूछे, उनसे भी पूछा, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं केवल एक बात पे बड़ा हैरान हूँ। एक तरफ तो हमारे यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठकर ये कहते हैं कि किसानों की लड़ाई नहीं है, ये ऑपोजिशन की पार्टियां लड़ रही हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि किसानों की 40 अलग अलग पार्टियां, तो हम तो कहते हैं कि किसानों का एक नेता नहीं है। तुम नेता से क्यों बात करना चाहते हो? तुम किसान की बात क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि तुम्हें सूट करता है, अगर एक नेता होगा तो तुम उसको जेब में डाल लोगे, और क्योंकि किसानों का अपना आंदोलन है तुम चाह के भी इनको जेब में नहीं डाल पा रहे। तो सबसे पहले तकलीफ तो आपको इस बात की हो रही है। फिर आप कहते हो कि जी एपीएमसी यूपी में नहीं है। अंजना जी बिहार से आप भी बिलोंग करते हैं, बिहार के किसान का ऐसा बदहाली क्यों हुई? क्योंकि वहां पे एपीएमसी एक्ट के तहत सरकारी परचेज नहीं है। पंजाब और हरियाणा में सरकारी परचेज है, जो असली मुद्दे की बात है जिसको बार बार भटकाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और राजस्थान में सरकारी परचेज है। अब जब ये एक्ट लागू हो जाएगा सरकारी परचेज बंद हो जाएगी। अब बात तो ये थी, देश में अच्छी बात ये होती, ये कहा जाता कि पंजाब हरियाणा में सरकारी परचेज और अच्छा मोल मिल रहा है, यही लागू किया जाए बिहार में भी, यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी। ये कह रहे हैं जो अच्छा कानून है उसको हम रद्द करेंगे और पंजाब रहने वाले अच्छा कानून को हम बाकी देश को नहीं देना चाहते। और आप बताएं, कल तक तो हम अच्छे थे, ये सारे आंदोलनकारी जिनसे सरकार खुद बात कर रही थी जब तक ये बात कर रहे तो अच्छे थे, जब उन्होंने कहा भैया हमारा फैसला कर दो तो अब उसके बाद ये टुकड़े टुकड़े हो गए। ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा, एक साथ जवाब दीजिएगा आप सुधांशु जी जल्दी से मुझे दोनों। मैं चाह रही हूँ कि मिश्रा साहब भी एक रिएक्शन दे, उससे पहले रविंदर सिंह चीमा साहब। रविंदर सिंह चीमा साहब, आपने सुनी सुधांशु जी की बात, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि किसानों का कोई नेता नहीं है, अलग अलग संगठन है, सबके अलग अलग रुख है, बातचीत आगे नहीं हो पा रही। तो जितनी भी बात हुई है नेताओं के साथ ही हुई है, तकरीबन पहले 32 मेंबर थे उस कमेटी के जो बात कर रहे थे और अब 40 के करीब मेंबर हैं। हाँ। तो बात करने के लिए तो जो है वो सक्षम है सभी, जो भी लोग बात करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि देश में पहली बार किसान नेता पढ़े लिखे नौजवान और लॉ ग्रेजुएट भी आए हैं। आपका ऑडियो कट जा रहा है, आपका ऑडियो कट जा रहा है, मैं रिस्पांस आपसे फिर से लूंगी। मोहिनी मोहन मिश्रा जी, सरकार कहां पर चूक रही है, हल क्यों नहीं निकल पा रहा है, किसान नहीं मान रहे? नहीं देखिए, जो चर्चा हो रहा है यहाँ, किसान भी है, किसान नेता भी है, किसान संगठन है। हाँ। एक विषय को सबको, सरकार को और बाकी किसान नेताओं को समझना पड़ेगा, ये जो सारे संगठन यहाँ बैठे हैं या किसान बैठे हैं, ये एक छोटे माने पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, उनका पहुंच देश तक नहीं है, इसीलिए ये दूसरे का सहायता लेते हैं जहां राजनीति घुसता है। ये जो अपने यहाँ कांग्रेस के बाकी अकाली दल के लोग बोल रहे थे, नेता लोग, ये सही में किसान का विषय चर्चा करना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि ये जो किसान नेता यहाँ बैठे हैं, 30-40 नेता भी बैठे हैं, किसान भी बैठे हैं, इनका अगर पहुंच देश भर में होता तो ये दूसरे का सहायता नहीं लेते। इसलिए हमारा मानना है अगर पंजाब हरियाणा में कुछ समस्या इस कानून के कारण है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में किसान बैठा है, छोटे किसान है, वनवासी ट्राइबल किसान है, उनका उपज कोई एमएसपी में नहीं जाता है, कोई मंडी में नहीं जाता है। इसके लिए अगर हम चाहते हैं ट्राइबल का मंडी भर ये मॉल्स बने देश भर में, आज जिसका बड़े मांग है उनको अच्छा पैसा मिलेगा, तो इसके लिए प्राइवेट प्लेयर्स हमको चाहिए छोटे छोटे किसानों के लिए, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा उपज नहीं है जैसे पंजाब हरियाणा किसान के पास है, वो नहीं जा सकते मंडी तक। और मंडी में जो लूट हो रहा है, मंडी में जो लूट हो रहा है, खेड़ा साहब भारतीय किसान संघ, कभी आप लोग भी ऐसी बात करते थे सर? भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि की बात सुनकर बड़ा कुछ याद आ गया, सुधांशु जी को तो याद होगा, दत्तोपन थेंगड़ी जी, रामलीला मैदान, सुधांशु जी याद होगा, आंदोलन किया
अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के खिलाफ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने रामलीला मैदान में आंदोलन किया, उस वक्त के वित्त मंत्री का इस्तीफा लगभग हो गया था, एक संघ वो था, एक संघ आज आपकी टेलीविजन पे मैं देख रहा हूं नतमस्तक, कह रहे हैं कि अरे तो छोटे मोटे किसान हैं। बहुत शर्म आ रही है मुझको, पीड़ा हो रही है ये सुनकर, भारतीय किसान संघ के व्यक्ति कह रहे हैं तो छोटे मोटे लोग हैं।